अस्सलाम वालेकुम, मैं जोना मोहम्मद बेस्ट चैनल पर और मैं यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों आई हूँ ये तो अभी बाद में बहुत बाद में पता चलेगा। और यहाँ कायनत की हो गई अब तबीयत ख़राब और हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और मैं फिर बनने वाली हूँ नानी। और उसके बाद देखें अल्लाह ताला क्या नवाजते हैं बेटा या बेटी, फिर आपको उसे शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चले व्लॉग स्टार्ट कर लूँ मैं और बना लूँ अपना व्लॉग भी। तो वैसे तो इतना टाइम हो गया मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया आप लोग के साथ ऊपर। तो बस दुआ कीजिएगा आप सब लोग कि सब चीज़ें फैर से हो जाएं और बहुत अच्छा हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो दोस्तों ये कायनात को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन उनका कहा गया और ये इमरजेंसी समझ लें कि आप कायनात का सीज़र हो रहा था। तो इस वजह से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और सब परेशान हैं। यहाँ उनके ससुर यानि कि उनके ताया और अकील के बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। तो दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए थे और अकील तो हद से ज़्यादा परेशान थे और बहुत यहाँ पर अकील बहुत ज़्यादा अपसेट थे और वो बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते कायनात कब बाहर आए। और कायनात जैसे ही आई दरवाजे तक तो अकील ख़ुद अपनी बेटी को रिसीव करने गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया, खैर खैरियत से हो गया। माशाल्लाह तो देखे नहीं आएगा। तो ये कायनात का रूम और ये रूम हमें दिया गया है। और यहाँ लेटा हुआ है मेरा प्याला काला चाची जाना जिसने नानू को किया बहुत तंग। तो दोस्तों आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर मेरा बर्थडे डे है और मैं अपने नवासे के साथ इंशाल्लाह अगले साल बर्थडे मनाऊंगी। और मेरे नवासे की बर्थडे डे है 16 और मेरी है 18। तो बस इंशाल्लाह अगले साल अब मैं 16 को अपने नवासे के साथ बर्थडे केक काटूंगी। तो इस साल अभी घर जाकर इंशाल्लाह शाम में बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे ज़रूर ज़रूर। तो यहाँ हॉस्पिटल में बहुत टाइम रहा, बहुत थकन रही और मैं थक गई हूँ, सीरियसली बहुत थक गई मैं। तो दोस्तों आज हमारी हो गई है छुट्टी और यहाँ हॉस्पिटल में 3 दिन रुकने के बाद अब घर जाके मैं करूँगी आराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खैर वाफियत से अपने बच्चे को और अपनी बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ रवाना है। और इसी तरह बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। तो ये आ चुके हैं हमारे छोटे से शहजादे अपने नानू के घर में और नानू के घर में उनका पहला कदम आ चुका है, उनकी एंट्री हो गई है अपनी नानू जान के घर में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुकी हूँ, घर आ गई हूँ मैं और बस अब बच्चों के साथ इनकी खिदमत में लगी रहूँगी और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकत दे कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं। और बस मेरे बच्चे मेरे घर आ गए, मेरी जान मेरे घर आ गए, मेरे शहजादा, मेरा गुड्डा, मेरा लड्डो, मेरा फाला, चोनू, गुच्चू और मैं नानी अम्मी बन चुकी हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मुन्ना आया है दुनिया में मेरे पास, अब मैं उसकी खिदमत करूँ अपने बच्चों की तिक्की, अब बच्चों की खिदमत करने में तो और मज़ा आता है। यकीनन सही कहते हैं लोग, अपने बच्चों से ज़्यादा औलाद के बच्चे प्यारे लगते हैं। तो चलें गाइस, मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा पूरा एंड तक, बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। हैप्पी बर्थडे डियर टू यू, हैप्पी बर्थडे पूरा नहीं चलने दिया, केक शुरू हो गया।
आज ले गया हमें तो छोड़ो एक डबल ब्लड हम लोग खाते जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आ जाए गलती से हमारे बनने नहीं यार ये पहले के लिए हो गया तो दोस्तों आज हमारी हो गई है छुट्टी और यहाँ हॉस्पिटल में 3 दिन रुकने के बाद अब घर जाके मैं करूँगी आराम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को आप करना है लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा प्यारा प्यारा सा नवासा आपको कैसा लगा। तो बहुत टाइम लगा इस सारे सफर में और नवासे साहब को आने में भाई और बहुत तक कर 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 आए हैं ये मेरी बेटी को तो माशाल्लाह से अब तो ये हमारे नूरे नजर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।